Welcome back students, I'm your business studies teacher Munira Farooq from Smart Indian Model School. बच्चों हमने लास्ट वीडियो में जैसे कि डिस्कस किया था पार्टनरशिप और उसके फीचर्स पढ़े थे कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके फीचर्स क्या होते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेरिट्स एंड सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ उसके मेरिट्स होते हैं जिनकी वजह से ही हम अपना बिजनेस जो कंडक्ट करना चाहते हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म में करना चाहते हैं, ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, राइट. तो अगर हम पार्टनरशिप को प्रेफर कर रहे हैं तो क्या मेरिट्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं जिसकी बेसिस पर हम पार्टनरशिप फॉर्म को प्रेफर करते हैं, ठीक है. फर्स्ट हमारा जो मेरिट है ये इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. जैसे कि हम देखें कि अगर हमें सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना है बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस अपने ही व्याप पे स्टार्ट करना होता है, तो उसमें हमें काफ़ी सारा पैसा, जगह, मेंटल, जितना भी हमें वर्क करना होता है वो सारा खुद ही करना होता है, क्योंकि एज देयर इज नो एनी पार्टनर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. बट अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो इसकी ईजी ऑफ फॉर्मेशन और ईजी ऑफ क्लोजर की वजह से पार्टनरशिप फॉर्म हम प्रेफर करते हैं. क्यों? क्योंकि जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, वेदर इट इज़ 2, 4 से यू कैन से 40, 50 और अप टू 100, जैसे कि हमने पढ़ा था. तो उसकी वजह से ये इजी हो जाता है पार्टनरशिप फर्म को खोलना, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं और वर्कलोड भी कम रहता है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप हमको प्रेफर किया जाता है. नेक्स्ट है हमारी बैलेंस डिसीजन मेकिंग. जस्ट बिकॉज किसी एक बंदे पर डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, जिसमें सारे पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होती है, अगर कोई रिस्क होता है वो भी इक्वल बियर किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहता है, ना कि सिंगल पर्सन वहाँ पर कोई इन्वॉल्व होता है डिसीजन लेने में. उसको थॉरली कंडक्ट करके, थॉरली उसकी स्टडी करके कि हमें मार्केट में अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या अपनी सेल इंक्रीज करनी है, प्राइस इंक्रीज करना है प्रोडक्ट का, दे आर नंबर ऑफ डिसीजन विच वी हैव टू टेक इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो वो सबके ही ब्याह पर लिया जाता है, ना कि किसी एक पर्सन के ब्याह पर. तो दिस इज द सेकंड मेरिट ऑफ पार्टनरशिप. नाउ नेक्स्ट है मोर फंड. जैसे कि हमने बताया नंबर ऑफ पार्टनर्स जितने ज्यादा होंगे उतना क्या होगा पार्टनरशिप में हमारे ज्यादा से ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा से बिजनेस में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पार्टनर होंगे तो हम ज्यादा फंड रेज कर पाएंगे. सोल प्रोप्राइटर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है उसमें हमें खुद का ही सारा पैसा लगाना है, और जिसमें कभी कभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें बाहर से या बैंक से बोरो करना पड़ता है. लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है कि अगर पैसे की जरूरत पड़ रही है तो पार्टनर्स जो हैं जिन्होंने अपनी लायबिलिटी सेट कर रखी है या अपना फंड सेट कर रखा है उसमें वो अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क. जैसे कि हमने बताया कि जैसे जैसे प्रॉफिट शेयर किया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में, सिमिलरली अगर कोई रिस्क है, कोई ऐसा नेचुरल कैलमिटी आ जाती है जैसे कि बिजनेस को नुकसान होता है या बिजनेस को आने वाले टाइम में रिस्क हो सकता है, तो वो इक्वली बियर किया जाता है पार्टनर्स के थ्रू, ना कि किसी एक पार्टनर पे वो रिस्क या वो लॉस को बियर करना बनता है, ठीक है. लास्ट है हमारा सिक्योरिटी. नाउ जैसे कि है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको कोई जरूरत नहीं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू एक्सपोजर, अपने जो डिटेल्स हैं अकाउंट डिटेल्स हैं उसको एक्सपोजर करे या वो पब्लिकली पब्लिश करे, इट इज़ नॉट मैंडेटरी इन पार्टनरशिप फर्म. वो लायबल नहीं है, वो बाध्य नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स, अपनी डिटेल्स, अपने पार्टनरशिप की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सबको, यानी कि जो पार्टनर्स के अलावा जो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको दिखाए. तो देयर इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी विच कैन बी मेंटेन इन पार्टनरशिप फर्म. तो ये हमारे सारे मेरिट्स थे पार्टनरशिप फर्म के, जिनकी बिहाफ पर हम क्या करते हैं प्रेफर करते हैं क्या पार्टनरशिप फर्म ऑर्गेनाइज करना, ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट. नेक्स्ट है हमारी लिमिटेशंस. कुछ पार्टनरशिप में लिमिटेशंस भी होती हैं, ठीक है, उस फॉर्म में. नंबर वन अनलिमिटेड लायबिलिटी. सपोज अगर किसी फॉर्म में चार पार्टनर्स हैं और चार पार्टनर्स में दो की वेल्थ बहुत अच्छी है, दो की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि उन्होंने पैसा अपना लगाया हुआ है फॉर्म में, तो क्या होगा जब एट अ टाइम ऑफ रिपेमेंट जब उस लायबिलिटी को हम लगाते हैं तो उसको पे भी करते हैं, जब हम कर्जा ले रहे हैं बिजनेस में तो उसको हमें रीपे भी करना है उस लोन को. तो अगर वो दो पार्टनर जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो पे नहीं कर पा रहे हैं, और जस्ट बिकॉज बिजनेस को लॉस हो रहा है तो जिनकी वेल्थ अच्छी है, जो फाइनेंशियल कंडीशन इनकी गुड है, क्या कभी कभी हो जाता है उनको पे करना
पड़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब बिजनेस को तो है कि हाँ उनको बचाना ही है, तो उनको अपने पास से कभी कभी पर्सनल अपने एसेट्स को सेल करके पे करना पड़ जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब जैसे कि हमने देखा कि अगर पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स कम है उस बिजनेस में, उस पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या होता है कि कभी कभी रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हो जाती है। यानी कि जैसे कि आप बुक में देखिए सेकंड जो पॉइंट है इसका, लिमिटेड रिसोर्सेज, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड हेंस कंट्रीब्यूशन। जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, वो कभी कभी कम होता है। और लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन, पार्टनरशिप फर्म फेस प्रॉब्लम इन एक्सपेंशन बियॉन्ड अ सर्टेन साइज। इसका क्या मतलब हुआ कि कभी कभी, अब देखा हमने कि पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर रिस्ट्रिक्टेड है से 20, 40, 50, 100, लेकिन अगर हमें इससे ज़्यादा, इससे बियॉन्ड अपना जो बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो वहाँ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे कि हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटर में मैं खुद डिसीजन मेकर हूँ, मैं खुद ओनर हूँ, मैं खुद ही रिस्क लूँगी, खुद ही प्रॉफिट लूँगी, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में जब इक्वली प्रॉफिट लिया जाता है, इक्वली रिस्क भी लिया जाता है, इक्वली लॉस भी बियर किया जाता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं जस्ट बिकॉज आपने देखा होगा कभी हम ग्रुप में कोई काम करते हैं तो सबकी राय अलग अलग होती है, सबके डिसीजन कभी कभी अलग हो जाते हैं, जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, यानी कि क्लैशेज होने लगते हैं। कभी कभी बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक दूसरे से डिसअपॉइंट हो सकते हैं किसी भी डिसीजन को लेकर, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जैसे हमने बताया था कि चार पार्टनर्स हैं फॉर्म में, एक पार्टनर अगर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या उसका बैंकक्रप्ट हो जाता है, या मेंटल डिसेबल हो जाता है, या परमानेंट इल हो जाता है, बीमार हो जाता है, अगर वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा उसकी जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाएगी, और एक नई पार्टनरशिप जो अब एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, पहले चार थे अब तीन हैं, ठीक है, तो तीन पार्टनर्स की दोबारा से हम पार्टनरशिप डील तैयार करेंगे, दोबारा से सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लॉस शेयरिंग रेशो, सब दोबारा से डिस्कस करना पड़ता है, दोबारा से सेटअप करना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूटी एक तरह से देखें हम तो वो उसमें नहीं रह पाती। तो ये थे हमारे मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, किन तरह के पार्टनर्स होते हैं और किस किस तरह की पार्टनरशिप होती है एक किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू।